fucking jump. सो हेलो गाइज, आई होप यू एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइज, आज के ब्लॉग का कंटेंट है कि हाउ आई एडिट माई ब्लॉग एंड हाउ आई शूट. मैं किस तरह से ब्लॉग को एडिट और शूट करता हूँ. तो गाइज, मैं इस ब्लॉग में सब कुछ बताने वाला हूँ जो कि मैं मेरे ब्लॉग्स में करते रहता हूँ. मतलब मैं सिनेमैटिक वीडियोस किस तरह से निकालता हूँ, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ और कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए, वो सब कुछ बताने वाला हूँ मैं इसी ब्लॉग में. मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे इंस्टाग्राम के कि किस तरह से एडिट करते हो ब्लॉग्स और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे भी एक ब्लॉग बनाया जाए, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ. तो गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो गाइज जाओ, जाके फटाफट से फॉलो करो. मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है मेरे इंस्टाग्राम की वो दी हुई है, तो वहाँ पे भी मैं अच्छी अच्छी पोस्ट जो है वो छोड़ते रहता हूँ. तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में सिनेमैटिक वीडियो जो है वो देखे ही होंगे. तो गाइज, जो सिनेमैटिक वीडियोज होते हैं ब्लॉग की जान होते हैं, जिससे कि ब्लॉग और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है. तो गाइज, अगर आप आपके ब्लॉग में सिनेमैटिक इफेक्ट डालेंगे तो आपके जो व्यूवर्स है वो स्टार्ट टू एंड आपका वीडियो पूरा देखेंगे, मतलब कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे बीच में. तो गाइज, आपका ब्लॉग अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सिनेमैटिक्स वीडियोस जो है और वीरोल जो है वो ज़रूरी है आपको आपके ब्लॉग में. तो गाइज, ये थे कुछ मेरे सिनेमैटिक शॉट्स जो कि मैं ब्लॉग्स में डालते रहता हूँ. तो गाइज, मैं अभी फ़िलहाल M50 यूज़ कर रहा हूँ. जो ये वीडियो अभी चालू है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये जो वीडियो है ये मैं M50 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी. और गाइज, मैं माइक जो है वो यूज़ करता हूँ बोया का, आप देख सकते हो बोया. अभी मैंने फ़िलहाल नहीं लगाया माइक, क्योंकि दोस्तों M50 की जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो कुछ नीड नहीं लगती इतनी ऑडियो मतलब माइक्रोफोन लगाने की. तो गाइज, मैंने अभी माइक्रोफोन नहीं लगाया. और मैं मतलब कौन से मतलब सिनेमैटिक वीडियो जो है, इससे पहले मैं 700D यूज़ करता था, जो कि बिगिनर्स वाला कैमरा है, मोस्टली लोगों को पता है और बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ भी किया है वो कैमरा. तो वो यूज़ करता था मैं इससे पहले, और उससे ही व्लॉग्स और सिनेमैटिक वीडियोस जो है वो निकालता था. और हाँ गाइस, मैं लेंस जो है वो 50mm यूज़ करता हूँ, 50mm 1.8. मैं ड्रोन यूज़ करता हूँ DJI Mavic Air, जो कि काफ़ी अच्छा ड्रोन है गाइज. अगर आपके पास अच्छा कैमरा नहीं है या ड्रोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज. ऐसा नहीं कि कंपल्शन नहीं कि कुछ आपके पास अच्छा कैमरा ही होना चाहिए या ड्रोन ही होना चाहिए. तो आप आपके स्मार्टफोन से भी अच्छा सिनेमैटिक शॉट जो है वो निकाल सकते हो गाइज. तो गाइस, ये जो वीडियो है आप देख रहे हो, तो ये मैंने मेरे फ़ोन से ही शूट किया है. और गाइस, फ़ोन से भी काफ़ी अच्छा वीडियो शूट होता है. तो ऐसा नहीं कि आप कैमरे से ही कर सकते हो अच्छा वीडियो शूट. और गाइस, इस वीडियो में कुछ शॉट्स जो है वो मैंने मेरे जो एक्शन कैमरा है मेरा उससे लिए हुए, जो कि अंडर वाटर शॉट्स जो है इस वीडियो में वो वाले. बाकी सब वीडियो जो है वो फ़ोन में शूट किया है मैंने. आप आपके स्मार्टफोन से भी गाइज अच्छी सिनेमैटिक वीडियो जो है वो क्रिएट कर सकते हो. और गाइज, अगर आपको इस टॉपिक पे भी एक अच्छा वाला वीडियो चाहिए तो गाइज कमेंट डाउन बिलो जाओ, जाके नीचे कमेंट करो, तो मैं उस पर भी एक अच्छा वाला वीडियो जो है वो क्रिएट करूँगा. उसमें लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि आप किस तरह से एडिट करते हो. तो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सवाल आए कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप किस तरह से एडिट करते हो. तो गाइज, मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियर प्रो CC और आफ्टर इफेक्ट. मोस्टली गाइज, मैं प्रीमियर प्रो ही यूज़ करता हूँ. आफ्टर इफेक्ट कभी कभार अगर स्पेशल इफेक्ट्स देने हो कुछ तो ही मैं यूज़ करता हूँ, वरना प्रीमियर प्रो में ही सारा काम हो जाता है मेरा, तो मैं वही यूज़ करता हूँ. सो आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा. सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इससे आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियोज़ और कंटेंट जो है वो लाता रहूँगा.
और गाइज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. बाय बाय, टेक केयर.